रूट कैसा है जुमला का? एकदम खत्म है। 250 किलोमीटर और 15 घंटा लग जाते हैं। जुमला पश्चिमी नेपाल के लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा टाउन है। यह नेपाल के सबसे गरीब क्षेत्र में से एक है। जुमला मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान जिला है, जिसकी अधिकांश आबादी खेती से जुड़ी हुई है। जिले में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों में गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा और आलू शामिल है। जुमला के लोगों के लिए पशुपालन, विशेष रूप से बकरी और भेड़ पालन भी आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस पूरे क्षेत्र को एकमात्र रोड जोड़ती है, जो कि है करनाली हाईवे, द लाइफ लाइन ऑफ जुमला। यह एकमात्र सड़क है जो जुमला को कालीकोट और सुरखेत से जोड़ती है। करनाली हाईवे को देश की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक माना जाता है। लगभग 250 किलोमीटर की दूरी सुरखेत से जुमला तक तय करने में 15 घंटे लग जाते हैं। इस रोड पर कुछ महीने पहले ही एक फ्लैश फ्लड से 11 लोगों की जान चली गई थी। यहां ड्राइविंग करना कोई आसान काम नहीं है। और आज का मेरा सफर होगा जुमला। जुमला नेपाल का वेस्टर्न पार्ट में, और मैं जुमला जाऊंगा वाया करनाली हाईवे। करनाली हाईवे नेपाल का मोस्ट डेंजरस रोड में से एक है। गवर्नमेंट इस रोड को काफ़ी इम्प्रूव किए हैं टाइम टू टाइम, बट स्टिल ये नेपाल के मोस्ट डेंजरस रोड में से एक आता है। नमस्ते दीदी। जुमला 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 बस बस से बस से इसमें जाएंगे अभी। सुरखेत बस पार्क नेपाल के सुरखेत जिले में स्थित एक प्रमुख परिवहन केंद्र है। यह इस क्षेत्र के सबसे व्यस्त और सबसे बड़े बस स्टेशनों में से एक है, जो यात्रियों के लिए पूरे नेपाल में विभिन्न गंतव्यों तक पहुंचने के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। और जुमला के लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, क्योंकि बस अभी नागमा तक जा रही है। मुझे जाना है जुमला, ये गाड़ी जा रही है जुमला तक, ट्रेवलर। तो मैं सोचा चलो यार बस को कैंसिल करके इसी से जाते हैं। तो चलिए चलते हैं इस अमेजिंग से सफर में। लगभग 15 घंटे के सफर के बाद मैं जुमला पहुंचूंगा। सुरखेत से जुमला लगभग 260 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। नरेश 35 साल के एक स्थानीय ड्राइवर हैं और सुरखेत के रहने वाले हैं। नरेश लगभग 8 सालों से भी अधिक समय से सुरखेत से जुमला तक ड्राइव करते हैं। नरेश काफी एक्सपीरियंस ड्राइवर है, लेकिन अभी भी करनाली हाईवे पर गाड़ी चलाने से डरते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यात्रा अच्छी होगी। आप इधर कब से गाड़ी चला रहे हैं? 8-9 साल। रोड कैसा है जुमला का? एकदम खत्म है। 250 किलोमीटर और 15 घंटा लग जाते हैं। 250 किलोमीटर कहाँ से शुरुआत, कहाँ से खतरनाक रोड? कितना दूर है यहाँ से वो? यहाँ से हाँ तुम्हें यहाँ से हाँ 50 किलोमीटर वहाँ तक ठीक है। वहाँ भी आगे जुमला तक। आपका नाम क्या? मेरा नाम विनय गताल है। सुरखेत से जुमला के लिए डायरेक्ट कोई यात्री नहीं है, शायद सब पहले ही चले गए हैं। सर्दी के मौसम में जुमला से आने वाले यात्रियों की संख्या अधिक होती है सुरखेत से जुमला जाने वालों की तुलना में, क्योंकि लोग सर्दी से बचने के लिए तराई रीजन में रहना पसंद करते हैं। हम क्या सीमाना सुरखेत का जो था ना बाजार एरिया, वो निकल रहे हम, जंगल के रास्ता लग रहे।
यहाँ पे छोटा सा एक हॉल्ट है, 10 मिनट का ब्रेक है ना, 10 मिनट का। कौन सा जगह है ये? बड़ी चौक। बड़ी चौक इंडिया, इंडिया कहाँ? इंडिया तो हो ये। जुमला, जुमला किन जानू नहीं है, जुमला घूमने। राधा ताल, सातो पानी। हाँ सातो पानी में जानू नहीं है? नहीं, नो अभी जाएगा जुमला बाजार। जुमला बाजार टुमारो राधा, राधा राधा रा 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 ताल। कहिले जानू नहीं है? और कहिले जानू हो चाहिए ना? कल गए ना नेपाल में 3 बार। यार मुझे नेपाली समझ में आता नहीं, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ क्या। ओके चले। हम एक आश्चर्यजनक परिदृश्य देख सकते हैं जो हमारी सांसें रोक लेता है। ये राजमार्ग खड़ी चट्टानों, गहरी घाटियों और घने जंगलों वाले नेपाल के कुछ सबसे दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरता है। कर्णाली हाईवे से दृश्य वास्तव में लुभावनी है और यह इस क्षेत्र की अविश्वसनीय सुंदरता का प्रमाण है। लेकिन जैसे जैसे हम हाईवे पर आगे बढ़ते हैं, हमें यह एहसास होने लगता है कि कर्णाली हाईवे को दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण सड़कों में से एक के रूप में क्यों जाना जाता है। सड़क नैरो, स्टीप और घुमावदार है, जिसमें शार्प मोड़ और हेयरपिन मोड़ हैं, जो इसे नेविगेट करने में अविश्वसनीय रूप से कठिन बनाते हैं। भूस्खलन से सड़क अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे यह और भी खतरनाक हो जाता है। कालीकोट एरिया हम लाग रहे हैं अभी, इधर से कालीकोट चालू होगा। वो कालीकोट बाजार? हाँ कालीकोट बाजार है वो। अब हम कालीकोट डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर गए हैं। कालीकोट के लोगों के लिए कर्णाली हाईवे एक गेम चेंजर रहा है, स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान रहा है, जिससे किसानों और व्यापारियों को अपने सामानों को जल्दी और कुशलता से बाजार तक पहुंचाने में मदद मिली है। मनमा, मनमा कर्णाली प्रोविंस के
डिस्ट्रिक्ट में आता है और अगला डिस्ट्रिक्ट यहाँ से जुमला है और जहाँ मुझे जुमला बाज़ार जाना है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो ऑलमोस्ट रात के 8-9 तो बज ही जाएंगे। बाकी देखो यहाँ तक आते आते पूरी गाड़ी खाली हो गई है। अब हम मनमा में प्रवेश कर गए हैं। मनमा कालीकोट जिले के मध्य में स्थित एक छोटा सा शहर है। ये खूबसूरत पहाड़ों और गहरी घाटियों से घिरा हुआ है। मनमा के स्थानीय बाजारों में चहल पहल है। लोग एक दूसरे के साथ सामान खरीदने और बेचने के लिए पूरे क्षेत्र से आते हैं। करनाली हाईवे पर अंधेरे में गाड़ी चलाना खतरनाक साबित हो सकता है। बस एक गलती और सब खत्म। सड़क की चौड़ाई बहुत कम होने के कारण जब दो वाहन आमने सामने आ जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से वाहन गुजरते हैं। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद करनाली राजमार्ग क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जीवन रेखा है। करनाली हाईवे दूर दराज के गांवों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है और ये लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए करनाली हाईवे सिर्फ एक सड़क से बढ़कर है। यह आशा और दृढ़ता का प्रतीक है। लगभग 15 घंटे लगातार ड्राइव के बाद अब हम जुमला पहुंच गए हैं। लो भाई, ये भाई साहब अपने हैं ड्राइवर नई गाड़ी का। हाँ, कैसा रोड था? रोड कैसा है? रोड तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। डर लगता है चलाने में गाड़ी? बहुत डर लगता है, लेकिन क्या करना पड़े, रोजी रोटी के लिए चलाना पड़े, बाल बच्चा पालना है। हाँ जी भाई, तो ये मेरा जुमला का सफर था। जुमला रात में कुछ दिख नहीं रहा है, मैं दिन में आपको कल दिखाऊंगा।